आप देखेंगे मैं आज गढ़ बरसाली इंटर कॉलेज के बगल में खड़ा हूं और बिल्कुल आप देख रहे हैं यहां पर एक आलीशान बिल्डिंग, बिल्कुल आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है और एकदम सुनसान। और आप देखेंगे बिल्कुल चारों तरफ इस बिल्डिंग के झाड़ी से बिल्कुल ये बिल्डिंग घिरी हुई है। न तो इस बिल्डिंग में कोई बोर्ड लगा हुआ है, कब बनी है और क्या है ये बिल्डिंग, किसने बनाई है, लेकिन जब हम इसकी जांच पड़ताल में पहुंचते हैं तो कुछ नजदीकी जो लोग रहते हैं उनके मुताबिक ये बिल्डिंग 2014-16 के दौरान बनी थी। मिनी सचिवालय है ये, सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, न तो कोई बोर्ड और न ही कुछ, बिल्कुल सन्नाटा में है। और आप देखेंगे मेरे बाईं तरफ बिल्कुल झाड़ी जमी हुई है, बिल्कुल चारों तरफ एकदम। और जबकि आप देखेंगे मेरे अपोजिट में एक बड़ा फेमस मंदिर रेणुका देवी का मंदिर है, जहां पर बराबर तीर्थ यात्रियों का आना जाना बना हुआ है। और जब हम इस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आज देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। क्या हमारा जो जिला प्रशासन है या हमारी जो विधायक गण है, क्या उन तक कोई नेता या कोई मीडिया जब बात पहुंचाते हैं तो क्या इस पे कोई एक्शन प्लान नहीं होता होगा? बिल्कुल करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए हैं, उस करोड़ों रुपए का बिल्कुल कोई यूज नहीं हो रहा है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या सम्मेलन से ही सरकार आ जाएगी? बार बार सरकार का आना जाना बना हुआ है। जब ये बिल्डिंग बनी थी तो शायद तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और आज बीजेपी गवर्नमेंट आई है। बहुत सारे नेता इस बरसाली से आते हैं लेकिन उन शायद उनकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंचती है। बहुत बीजेपी में कदावर नेता हैं, माननीय लोकिंदर बिष्ट, भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे यहाँ के, पाप के भगत रावत, राजू डंगवाल, बहुत सारे ऐसे नेता यहां से बिलोंग करते हैं और अभी सरकार में हैं वो। क्या वहां तक बात नहीं पहुंचती होगी? कब होगी सुनवाई? कब हमारा जिला प्रशासन जगेगा? कब विधायक गण जगेंगे? देखते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं, बात करके पूछते हैं उनसे। यस सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकेंद्र है। विकेंद्र, जिस बिल्डिंग के बारे में कुछ जानते हैं आप? यस सर। क्या है ये बिल्डिंग? सर जब हम पहले हम यही ग्रामीण क्षेत्र के हैं राइट सर, जब हम आते थे राइट हम अपना गेम्स खेलने आते थे राइट ना स्कूल में मैदान में, राइट तो सर हम उस टाइम इसका निर्माण हो रहा था। निर्माण हो रहा था। अब क्या है यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम क्या दिख प्रेजेंट रहा है? टाइम में तो सर एक खंडर पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है। दिखने को तो सर ये बहुत सुंदर बना क्या हुआ है कहना चाहेंगे आप? सर। ये एक मिनी सचिवालय है सर, ये राइट सुनने में आया मेरा राइट ना। यहाँ पे सर कोई बोल्ड राइट ठीक है सर, राइट। और ना इसकी आप लागत। क्या करते हैं? सर मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ। पॉलिटेक्निक के एक छात्र हैं बिष्ट जी, और आप पता लग रहा है, आप देख सकते हैं इनके मुताबिक भी बिल्कुल खंडर में बदला हुआ है। देखते हैं एक दो और नजदीक जो लोग रहते हैं, और मैं एक और यहां पर आपको मिलाता हूं जिनकी बिल्कुल मेरे बगल में दुकान है, इस बिल्डिंग के बगल में दुकान है इनकी, पूछता हूं क्या नाम है आपका सर? परविंदर सिंह बिष्ट। परविंदर सिंह जी नाम है आपका। आप यहां पर इस बिल्डिंग के अपोजिट में आपकी दुकान है, इस बिल्डिंग के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या है ये? बिल्डिंग के बारे में क्या जाना सर, सरकार ने पैसा खर्च किया है इसमें ऐसे ही, राइट लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा इसको। राइट। इससे बढ़िया किसी इतने पैसा गरीब आदमी को देता तो उनकी वो जिंदगी भर आप गुजारा जानते करता हैं क्या चीज है ये? है। ये मिनी सचिवालय की बिल्डिंग है, मतलब ब्लॉक की है, लेकिन अच्छा, इसमें कोई रहता नहीं है, आपने सिर्फ सुना है, सिर्फ सुना है सर। लगभग कभी कोई यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ, कुछ कोई प्रोग्राम रहे, हुआ कोई मंत्री ने विजिट किया हो, आज तक कोई 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 प्रोग्राम नहीं हुआ इसमें, प्रोग्राम नहीं हुआ? कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। चलिए, और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? और क्या कहना चाह और सर, आप देखो देख, चारों तरफ झाड़ियां जमी है इसकी, राइट ठीक है, राइट। वो तो थोड़ा बहुत हम चलिए, सफाई बहुत बहुत करने के काम धन्यवाद, में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी आज तक न तो कोई प्रोग्राम हुआ, न कोई बोर्ड है। सरकार का इस तरीके का पैसा बार बार मिट्टी में मिलाना कहां तक सही है? यशपाल बिष्ट कैमरामैन के साथ महेश बोगुणा, उत्तरकाशी उत्तराखंड से।